सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो आप लोग सोच रहे हो कि मैं हवे में से कहाँ उतर रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि आपको सबसे पहले ये हल्का गॉड लेवल वाला थ्री हेडेड वाला सूट दिखा देता हूँ। ये सूट आज मैं इस वीडियो में खरीदने वाला हूँ। अरे भाई साहब यार, खरीदने से पहले यहाँ पर तो मैंने गुलाटी मार दी, वो तो अच्छा है कि यार मेरा मत्था था टूटा नहीं। वैसे यहाँ पर बहुत सारे और भी हल्के सूट हैं जैसा कि आप लोग देख सकते हो, और यहाँ पर इस दुकान का मालिक कौन है यार, मुझे ये सारे हल्के सूट खरीदने, और खास करके ये बड़ा वाला। अरे लगता शायद यही वो मालिक है। हाँ कलवे, मैं ही इस दुकान का मालिक हूँ, बोल तुझे कौन सा सूट चाहिए? हल्क भैया यार, मुझे ना ये बड़ा वाला सूट चाहिए, दे दो ना प्लीज। कितने का है? 10 रुपए 20 रुपए कितने का है जल्दी बताओ, मैं आपको अभी दे देता हूँ। अबे बावड़े छोरे, तू पागल वागल हो गया क्या? ये हल्का इतना बड़ा सूट तेरे को 10-20 रुपए का दिखता है क्या? ये पूरे 100 मिलियन डॉलर का सूट है, ऐसे ही थोड़ी तुझे दे दूंगा। क्या बोला आपने, 100 मिलियन डॉलर? यहाँ तो मेरे जेब में एक डॉलर नहीं है, कहाँ से मैं ये सूट खरीदूंगा? अच्छा इसको छोड़ो, आप ये बताओ ये जो सबसे छोटा वाला हल्का सूट है, यानी कि ये बेबी हल्क वाला सूट, ये कितने का है? एटलीस्ट स्टार्ट तो करूँ यार मैं सूट पहनना। कलवे वैसे तो वो सूट $1 का है, लेकिन मैं तुझे वो फ्री में दे सकता हूँ। फ्री में दे देगा क्या हल्क भैया? थैंक यू सो मच हल्क भैया, आप तो ग्रेट हो। चलो गाइस यार फटाफट जाके सूट ले लेते हैं। अबे कलवे रुक, कैसे फ्री में नहीं दूंगा, पहले यहाँ। हाँ हल्क भैया आ गया, बोलो क्या हुआ? अबे कलवे, ये सूट मैं तुझे तभी फ्री में दूंगा जब सब लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं फटाफट से लाइक करेंगे, और नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है ना उसे दबाएंगे, तभी मैं तुझे ये सूट दूंगा। अच्छा हल्क भैया बस इतनी सी बात है क्या? व्यूअर्स यार जितने भी आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दो, और जो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है ना उसे भी दबा दो यार, ताकि मुझे ये फ्री में $1 वाला हल्का सूट तो मिले, ताकि मैं अपने आप को अपग्रेड करना तो स्टार्ट करूं। बहुत बढ़िया कलवे, जा अब तू वो हल्का सूट ले सकता है। थैंक यू सो मच यार हल्क भैया। चलो गाइस यार यहां पर हमें $1 वाला हल्का सूट तो मिल गया, चलो फटाफट इसे पहनते हैं। ये तो गाइस यहां पर मैं अपग्रेड हो चुका हूं, और ये मैं अपग्रेड हुआ हूं कि यार ऐसा लग रहा है कि यार मैं तो डी अपग्रेड हो गया हूं, इतना छोटा हल्क यार। वैसे भी $1 में क्या ही मिलेगा गाइस यार, मुझे ना अब इससे बड़ा अपग्रेड होना पड़ेगा, यानी कि मुझे ये वाला हल्का सूट चाहिएगा। लेकिन यार ये वाला हल्का सूट तो पूरा $100 का है, अब गाइस यार मुझे $100 कमाने पड़ेंगे। चलो जाकर देखते कोई ना कोई रास्ता तो मिल ही जाएगा, फटाफट मैं पैसे कमा के आता हूँ और फटाफट से यार उस वाले हल्क में अपग्रेड होऊंगा। गाइस यार मुझे किसी भी हाल में $100 तो कमाने ही होंगे, कहाँ से कमाऊं? अरे एक मिनट, यहाँ पर तो बहुत सारी गाड़ियां दिख रही है, रुको ये भाई साहब से कोई जॉब मांग लेता हूँ। अरे अंकल सुनो ना, आपके पास कोई जॉब है क्या जिससे करके मैं $100 कमा सकता हूँ आपके पास से? देखो बच्चे, वैसे तो मेरे पास कोई भी जॉब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैं सिर्फ गाड़ियों की सेलिंग करता हूँ, तो मेरे पास तो तुम्हारे लिए कोई भी जॉब नहीं है, और वैसे भी तुम बहुत छोटे हो, जाओ यहाँ से। अरे अंकल देखो ना, कोई तो जॉब होगी यार, प्लीज दे दो मुझे $100 की अर्जेंट जरूरत है, बदले में मैं आपका कोई भी काम कर दूंगा, आप जो बोलो। अरे बच्चे मैंने बोला ना कि यहाँ कोई काम नहीं है। अच्छा चलो एक काम करो, तुम्हें $100 चाहिए ना, तो फटाफट से ये सारी गाड़ियाँ एकदम चमका दो, एकदम अच्छे से धो देना। अच्छा ठीक है अंकल, मैं अभी कर देता हूँ। तो चलो गाइस यार फाइनली यहाँ पर मुझे एक काम तो मिल गया, और वैसे गाइस यार यहाँ पर तो एक से एक बड़ी सुपर कार है, और मुझे इन्हें अच्छे से धोना होगा तभी जाके मुझे $100 मिलेंगे। लेकिन गाइस आप लोग देख सकते हो क्या ही तगड़ी कार है। वैसे गाइस यार आपकी फेवरेट कार कौन सी है मुझे कमेंट में जरूर बताना। भाई साहब यार यहाँ पर तो बहुत ही ज्यादा मस्त सुपर वाली कार है, तो चलो सबसे पहले इस कार को धोना स्टार्ट करते हैं, और ऐसा करते करते मुझे ये सारी कार धोनी है, चलो फटाफट लग जाते हैं काम पर। यहाँ पर मैंने गाड़ी को चमकाना स्टार्ट कर दिया है, और सबसे पहले मैं इसके टायर चमकाऊंगा। वैसे गाइस यार ये गाड़ी तो बहुत ही ज्यादा गंदी धूल खाई है यार, बहुत ज्यादा खांसी भी आ रही है, लेकिन मुझे ये काम किसी भी हाल में करना ही होगा। वैसे गाइस यार ये कार तो बहुत ही ज्यादा मस्त है, और क्या ही मैं इसको चमका रहा हूँ, इसी तरीके से इनमें सारी गाड़ियों को चमका दूंगा। उसको तो मैंने चमका दिया, अब ये ब्लैक वाली कार की बारी है। वैसे ये भी बहुत ही ज्यादा गंदी हो गई है, इसको भी मैं अच्छे से चमका देता हूँ, और ये ब्लैक वाली सुपर कार तो क्या ही ज्यादा तगड़ी लग रही है। चलो फटाफट से मुझे हाथ चलाने होंगे, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, और अभी बस कुछ ही गाड़ियां रह गई है, फटाफट इन्हें भी चमका देता हूँ। A few moments later. Guys, यहाँ पर मैंने सारी गाड़ियों को चमका दिया, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं पहले ये कितनी ज्यादा गंदी थी, लेकिन अब तो यार क्या ही चमक रही है यार। मुझे इन सारी गाड़ियों को साफ करते करते 3 घंटे निकल गए, चलो फटाफट से जाके अंकल से पैसे ले लेता हूँ। अरे अंकल ये देखो, मैंने आपकी सारी गाड़ियों को चमका दिया, लाओ फटाफट से मेरे $100 दे दो। बहुत बढ़िया लड़के, ये ले तेरे $100। ओके सो गाइस, यहाँ पर मुझे मेरे $100 मिल चुके हैं, तो चलो फटाफट से सूट खरीद के मैं अपने आप को अपग्रेड कर लेता हूँ। तो गाइस यहाँ पर
मैंने $100 वाला सूट खरीद लिया है। वैसे देखा जाए तो ये सूट में भी कुछ खास है नहीं, एकदम पतला ढांचा सा जैसा सूट है। यार मुझे ना अभी इससे भी बड़े वाले सूट में अपग्रेड होना पड़ेगा, जो कि यार पूरा $1000 का है। अब यार मुझे $1000 कमाना होगा, वो भी किसी भी हाल में जल्दी से जल्दी। तो चलो यार कोई ना कोई काम धंधा ढूंढते हैं ताकि मैं यार $1000 कमा सकूँ। गाइज अब मुझे $1000 कमाने और समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से कमाऊँ। ये तो लगता है कि कोई बड़ी सी गेमिंग कंपनी है। आ जाओ इसके अंदर जाकर देखते हैं कोई जॉब वॉब मिल जाता है क्या मुझे। चलो यहाँ पर अच्छा गेट तो खुला, वरना मुझे तो लोग धक्के मार के बाहर निकाल देते हैं। चलो यहाँ पर ये लोग बैठे रिसेप्शन वाले। अरे भाई साहब यार, आप लोगों के पास मेरे लिए कोई छोटा मोटा काम होगा क्या? मैं आपका कोई भी काम कर सकता हूँ। नहीं नहीं, हमारे पास तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है, चलो फुटो यहाँ से। अरे भाई साहब यार देख लो, आपका कोई भी काम कर दूंगा यार, मुझे बस थोड़े पैसों की जरूरत है। अरे राकेश, वो ऊपर का इलेक्ट्रिसिटी बॉक्स अब तक नहीं सुधरा, जल्दी उसे ठीक करवा, किसी इलेक्ट्रिशियन को बुला, वरना बॉस आके हम दोनों को धो डालेंगे। क्या बोला आपने, आपका इलेक्ट्रिसिटी बॉक्स खराब है क्या? मैं ठीक कर सकता हूँ, बदले में आप मुझे पैसे दे देना, क्योंकि मुझे इलेक्ट्रिक का सारा काम आता है। क्या तू सही में इलेक्ट्रिसिटी बॉक्स बना सकता है? तो जल्दी से ऊपर जा और उसे ठीक कर दे, बदले में पैसे मैं तुझे दे दूंगा। अच्छा अच्छा ठीक है भाई साहब, रुको मैं अभी ठीक करके आता हूँ। अरे गाइस यार, मैंने बड़ी बड़ी बातें तो कर दी यार कि मैं इनका इलेक्ट्रिसिटी बॉक्स ठीक कर दूंगा, आज तक मैंने एक मक्खी नहीं मारी, कहाँ से ठीक करूंगा यार। एक तो इनका ऑफिस इतना ज्यादा डरावना है कि पूछो मत कहाँ कहाँ रस्ते। एक काम करता हूँ, ऊपर की ओर जाता हूँ और पता नहीं कौन सा इनका इलेक्ट्रिक बॉक्स खराब हुआ है यार। यहाँ पर तो यार कोई गेमिंग जोन लग रहा है यार, गेम वेम तो मैं नहीं खेल सकता, मुझे यहाँ पर इन्होंने बुलाया यार कुछ इलेक्ट्रिक बॉक्स ठीक करने के लिए। और यहाँ पर तो यार ये बहुत ही ज्यादा बड़ा तगड़ा ऑफिस है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर तो सभी लोग काम कर रहे हैं और इनके काम में कुछ एरर आ गया, जैसा कि आप लोग देख सकते हो शायद से इलेक्ट्रिक बॉक्स की वजह से आया। अब ये इलेक्ट्रिक ऑफिस कहाँ पर मिलेगा यार, कहाँ, मुझे तो कुछ दिख भी नहीं रहा है, शायद से इसके अंदर ही होगा, अभी जाकर देखता। अरे हाँ ये देखो, इसके अंदर ये कुछ शॉर्ट सर्किट तो हो रहा है और यहाँ पर भी कुछ तो हो रहा है। अब मुझे यार इसे ठीक करना होगा, तभी जाके मुझे $1000 मिलेंगे। लेकिन मैं करूँ भी तो क्या, एक काम करता हूँ, एक मुक्का मार के देखता हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई चीज़ खराब होती है, उस पर हमने मुक्का मारते तो सही हो जाती है। एक मिनट रुको, अभी ये ले लाती मार देता, ये एक लात मारा, ये ले दूसरा लात मारा और मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कुछ वापस आ गया। अरे गाइस ये देखो, ऊपर लाइटें वाइटें जलने लगी, मुझे तो लगता है कि मैंने लात मार के ही ठीक कर दिया। रुको बाहर जाके देखता हूँ सबका सिस्टम चालू हुआ कि नहीं। अरे गाइस यार यहाँ पर ये क्या देख रहा हूँ, सब लोग यहाँ पर फिर से काम करने लगे। ये देखो यार, इसके कंप्यूटर में से वो बग भी हट गया जो कि एरर आ रहा था। क्या बात यार, मैंने सबका यहाँ पर काम सही कर दिया, ये देखो किसी के भी पीसी में नहीं है। चलो फटाफट जाकर उससे $1000 ले लेता हूँ यार, मानना पड़ेगा, बाकी मैं कमाल का आदमी तो हूँ यार। मैंने यहाँ पर चुटकी बजाते ही इनका सारा ऑफिस का काम एकदम सही कर दिया। चलो फटाफट से जाकर $1000 ले लेता हूँ। भाई साहब यार जैसा मैंने बोला था बिल्कुल मैंने वैसा ही किया, मैंने आपका इलेक्ट्रिक बॉक्स जो कि खराब था उसे ठीक कर दिया। लाओ मेरे $1000 दो। बहुत बढ़िया लड़के, ये ले तेरे $1000, जा इसकर। थैंक यू सो मच भाई साहब यार, अगली बार भी कोई काम हो तो जरूर बुलाना। ओके सो गाइस, यहाँ पर मुझे मिल चुके हैं पूरे $1000। भाई साहब यार मजा ही आ गया, चलो अब हम लोग एक नया वाला सूट खरीदते हैं। ये तो गाइस यार यहाँ पर मैं अपग्रेड हो चुका हूँ $1000 वाले हल्क सूट में। वैसे ही इतना ज्यादा खास तो नहीं है, बट ठीक है यार, मुझे इससे भी बड़े वाले गॉड हल्क सूट में अपग्रेड होना पड़ेगा। एक मिनट गाइस यार, वहाँ पर भीड़ कैसी लगी हुई है, लगता है कि यहाँ पर कोई कॉम्पिटिशन चल रहा है। अरे भाई साहब यार यहाँ पर तो बहुत बड़ी भीड़ है, यहाँ पर आखिर चल क्या रहा है। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपका सबका स्वागत है बिग बर्गर पे। ये बर्गर जो भी एक मिनट के अंदर खाएगा बड़ा वाला बर्गर, उसे मिलने वाले पूरे $10,000। क्या बोला गाइस, इसने मुझे एक मिनट के अंदर ये बड़ा वाला बर्गर खाना होगा और उसके बदले में मुझे ये $10,000 देगा। भाई साहब यार जो मेरा अगला हल्का सूट है वो भी तो पूरे $10,000 का है। अब तो गाइस यार मुझे किसी भी हाल में ये बड़ा सा बर्गर खाना होगा। रुको इसको बोल देता हूँ, अरे भाई साहब यार मैं आपका ये बड़ा वाला बर्गर एक मिनट के अंदर खा लूंगा। अच्छा तो ठीक है बर्गरदार, तुम्हारा टाइम अभी स्टार्ट होता है, जल्दी जाके खाओ। गाइस यार जल्दी से हमारा टाइम स्टार्ट हो गया, रुको फटाफट खाता हूँ। ये मैं खाना स्टार्ट कर दिया। भाई साहब यार ये बर्गर तो बहुत ही ज्यादा बड़ा है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। अरे कमान कमान हल, तुम ये कर सकते हो, ये बड़ा बर्गर तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, वेरी गुड, ऐसे ही खाते रहो। हाँ खा रहा हूँ। गाइस यार यहाँ पर तो मुझे बहुत लोग चीयर अप भी कर रहे, लेकिन यार ये बर्गर बहुत ही ज्यादा बड़ा है, लेकिन मैं इसे किसी भी हाल में खाते रहूंगा। भाई साहब यार ये बहुत ही ज्यादा बड़ा है, मेरे अंदर ही नहीं जा रहा, लेकिन मुझे किसी भी हाल में खाना होगा, बहुत ही ज्यादा कम टाइम रह गया। चलो फटाफट खा रहा हूँ।
और गाइस फाइनली मैंने खा लिया वो भी एक मिनट के अंदर। लेकिन गाइस यार मेरा पूरा पेट फुल हो चुका है भाई साहब, यार मेरे पेट में बिल्कुल जगह नहीं और मैं हिल भी नहीं पा रहा हूँ। ये सब छोड़ो, अरे भाई साहब यार मैंने आपका चैलेंज पूरा किया, लाओ मुझे मेरे $10,000 दे दो। बहुत बढ़िया हल्क, ये ले तेरे पूरे $10,000। थैंक यू सो मच भाई साहब यार। वैसे गाइस यार मेरा पेट तो ऐसा लग रहा है कि फट जाएगा, मैंने $10,000 के भाई साहब यार बर्गर खा लिए, ये मोटू से भी ज्यादा मोटा लग रहा हूँ मैं तो। चलो कोई बात नहीं, फटाफट से जाके यार वो $10,000 वाला सूट खरीद लेता हूँ। तो गाइस यहाँ पर मैं सूट खरीदने आ चुका हूँ। अरे हल्क भाई साहब यार मेरे पास $10,000 है, लाओ मुझे फटाफट से ये आर्मस्ट्रांग वाला सूट दे दो। ठीक है हल्क बेटे जा ले वो हल्क वाला सूट। यहाँ पर मैंने इनको $10,000 तो दे दिए, चलो फटाफट से ये नया वाला सूट ट्राई करते हैं। ओके सो गाइस यहाँ पर मैंने पूरा $10,000 का सूट पहन लिया और भाई साहब यार ये सूट तो कितना ज्यादा खतरनाक लग रहा है, आप लोग देख ही सकते हो इसके अंदर तो 1, 2, 3 पूरे 6 हाथ है। ओ भाई साहब यार इसको पहनते ही मैं तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल महसूस कर रहा हूँ। लेकिन गाइस यार इतने से काम नहीं चलेगा, मुझे ना यार ये रेड हल्क वाला सूट चाहिए और भाई साहब यार ये तो पूरे $1,00,000 का है। ओ माई गॉड भाई साहब यार इतने सारे पैसे तो मुझे कमाने ही होंगे, चलो फटाफट जाके कहीं ना कहीं से तो कमाने ही होंगे। और भाई साहब यार ये सूट तो कितना ज्यादा तगड़ा है, और गाइस यार सिर्फ मुझे $1,00,000 वाला ही नहीं बल्कि मुझे तो यार वो $100 मिलियन वाला सूट चाहिए जो कि इतना बड़ा है। तो गाइस यार वो तो मैं किसी भी हाल में लेकर ही रहूंगा, तो चलो फटाफट जाते हैं पैसे कमाने। ऐसा लग रहा है गाइस कि सामने कोई कंपटीशन चल रहा है, रुको फटाफट से अपनी साइकिल को यहीं पे पार्क कर देता हूँ। और मेरी यार बहुत ही ज़्यादा प्यारी साइकिल है, तो यहाँ पर मैंने साइकिल को पार्क कर दिया है और यहाँ पर तो कोई पक्का कंपटीशन चल रहा है और यहाँ पर तो बहुत सारे पैसे। अरे उड़ी बाबा क्या कॉम्पिटिशन चल रहा है यहाँ पर, बताओ जल्दी से। उड़ी बाबा जी मेरे 20 साल के तजुर्बे में इतना अच्छा कॉम्पिटिशन कभी नहीं हुआ। आज जो कॉम्पिटिशन होने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। में कंटेस्टेंट को यहां पर रखी हुई सुपर कार को लेना है और इस रनवे से एकदम फुल स्पीड में ले जाते हुए यहां से उड़ाते हुए इन सारी गाड़ियों को पार करना है जी। और जो भी ये करेगा उसी को मिलेगा यहां पर ये रखा हुआ पीछे का पूरा $1,00,000। जी हां तुमने बिल्कुल सही सुना उड़ी बाबा, क्या बात है गाइस यार जो भी ये टास्क को करेगा उसको यहाँ पर उड़ी बाबा देने वाला $1,00,000। और गाइस यार जो हमारा हल्का रेड वाला सूट है वो भी पूरे $1,00,000 का है। तो गाइस ये चैलेंज तो मुझे किसी भी हाल में कंप्लीट करना ही होगा और यहाँ पर तो ऑलरेडी लोग लाइन में लगे हुए, चलो देख लेते कि ये लोग कर पाते हैं कि नहीं। अरे सबको डस लूंगा, अरे वैनम से पंगा कोई नहीं ले सकता। अभी देखो मैं कैसे करके दिखाता हूँ ये चैलेंज। ये कोई चैलेंज होता है क्या, ये तो मजाक है, ये तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। अभी इसे करके दिखाता हूँ, सब लोग को हक्का बक्का कर दूंगा, मजा ही आ जाएगा आज तो। गाइस यार ये वैनम तो अपने आप को लेकर बहुत ही ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है, कहीं ये गलती से चैलेंज पार ना कर दे यार मुझे, वरना $1,00,000 नहीं मिलेगा। और यहाँ पर वैनम निकल चुका अपनी कार को लेकर, देखते कि ये कुदा के कितनी दूर जा पाता, मुझे तो लगता है चैलेंज कर देगा। और यहाँ पर इसने गाड़ी जंप कराई लेकिन ये तो नहीं कर पाया। अरे डस लूंगा, लगता है कि गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आ गई इसलिए नहीं हुआ, वरना आप लोग को तो पता ही है वैनम ऐसा कोई चैलेंज ही नहीं है जिसे नहीं कर सकते। अरे सबको डस लूंगा यार, ये वैनम तो कर ही नहीं पाया, खाली पीली गया यार, इतना ओवर कॉन्फिडेंट था। चलो अब मैं ट्राई करके देखता हूँ। और गाइस यार मुझे तो ये वाला यार चैलेंज किसी भी हाल में करना ही होगा, वरना यार मुझे $1,00,000 नहीं मिलेंगे। तो चलो गाइस यार 3, 2, 1 लेके जय माता दी का नाम करते है इस रेस को चालू। और ये मैंने कराया फुल स्पीड में जंप और भाई साहब यार ये तो मैंने कुछ ज्यादा ही दूर करा दिया और यूं मैंने कर दिखाया और इसी के साथ ये चैलेंज मैंने कंप्लीट कर दिया। भाई साहब यार मजा ही आ गया, चलो फटाफट से जाके अब अपने $1,00,000 ले लेते हैं। और भाई साहब यार ये लोग भी मुझसे काफी ज्यादा खुश हो गए, क्या बात यार, ऐसा लगता है कि मैं यार सिर्फ चैलेंजेस के लिए बनाऊं, मजा ही आ गया। ला यार उड़ी बाबा फटाफट से मेरे $1,00,000 दे दे। उड़ी बाबा जी हाल यार तुमने तो कमाल ही कर दिया, इस चैलेंज को कंप्लीट कर दिया, ये लो तुम्हारे $1,00,000, कांग्रेचुलेशंस। चलो गाइस यार फटाफट से $1,00,000 वाले सूट में अपग्रेड होते हैं। यूहू तो गाइस यार यहां पर मैं अपग्रेड
हो चुका है 1 लाख वाले डॉलर सूट में। और भाई साहब यार ये सूट तो कितना ज्यादा तगड़ा है, आप लोग देख सकते हो, ये है रेड हल्क का 3 हेडेड वाला गॉड सूट। और यार इसके ऊपर तो पंख भी लगा हुआ है जो कि काफी ज्यादा तगड़ा दिख रहा है। गाइस यार ये वाला सूट आपको कैसा लगा कॉमेंट में जरूर बताना। अब गाइस यार मुझे पूरे 100 मिलियन डॉलर कमाने होंगे ताकि यार मैं एकदम गॉड सुप्रीम लेवल वाला जो हल्का सूट था वो ले सकूं। लेकिन गाइस यार ये 100 मिलियन डॉलर में कमाऊंगा कैसे वो सोच रहा हूँ, कोई ना कोई रास्ता तो जरूरी निकालना होगा। लेकिन यार करूँ भी तो क्या वो भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि यार कोई 1000-2000 डॉलर की बात नहीं है यार, पूरे 100 मिलियन डॉलर की बात है। लेकिन हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। फटाफट से काम करता पहले यहाँ से तो निकलता हूँ। और यार मेरे पास तो अब 1 रुपये बचे नहीं है और यहाँ पर मुझे अब कमाने 100 मिलियन डॉलर। चलो जाकर देखते हैं, कोई ना कोई तो रास्ता जरूर मिल जाएगा। पता नहीं यार कहाँ से मुझे 100 मिलियन डॉलर मिलेंगे। और यार यहाँ पे मैं पहुँच चुका हूँ जहाँ पे रास्ता ख़त्म हो गया है। अब गाइस यार कहाँ जाओ यार, मैं तो पूरे हाथ पैर मार लिया और मुझे ऐसा कोई काम मिल भी नहीं रहा कि यार जहाँ से मुझे 100 मिलियन डॉलर मिल सके। 1 मिनट यार, यहाँ पर तो ऐसा लग रहा है कोई लड़की चिल्ला रही है, लगता है कुछ ना कुछ तो मुसीबत हुई है। चलो फटाफट से जाकर देखते हैं। और यार यहाँ की सीढ़ियाँ तो कितनी ज़्यादा पतली है, अगर मेरा पैर थोड़ा भी फिसला तो यार मैं सीधा पानी में गिर जाऊँगा। रुको फटाफट यहाँ से जंप लगा देता। ये हेलो गाइस यार डायरेक्ट मैं तो नीचे उतर गया। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ है, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग एकदम परेशान दिख रहे हैं। और यहाँ पर कोई लड़की चिल्ला रही है, अच्छा यही लड़की चिल्ला रही थी। अरे भाई साहब यार यहाँ पर क्या हुआ है, और ये मैडम जी क्यों चिल्ला रही है? मेरे पूरे 1 बिलियन डॉलर का हीरा गुम गया समुंदर में, मैं राइड करने गई थी, प्लीज कोई उसे ढूंढ दो, जो भी मुझे वो हीरा ढूंढ के देगा बदले में मैं उसको 100 मिलियन डॉलर दूंगी। तो गाइस ये बात है, ये मैडम जी का 1 बिलियन डॉलर का हीरा गुम गया भाई साहब, वो भी इतने बड़े समुंदर में, और ये बदले में 100 मिलियन डॉलर देगी। अरे यार अब तो मुझे फटाफट से ढूंढ के लाना ही पड़ेगा। अरे भाई साहब यार आप इनके पापा लगते हो क्या, ये मैडम जी सही बोल रही है क्या कि इनका सही में हीरा गुम गया है क्या इस पानी में? हाँ हाँ बरखुरदार, मेरी बेटी बिल्कुल सही बोल रही है, हम लोग अभी बोट पर राइड करने गए थे, वहीं पर उसका डायमंड गुम गया और वो डायमंड पूरे 1 बिलियन डॉलर का है, और जो भी उसे ढूंढ के लाएगा मैं उसे बदले में 100 मिलियन डॉलर दूंगा। अरे गाइस यार ये लोग तो सही में यार 100 मिलियन डॉलर देंगे। ओके तो भाई साहब आप थोड़ा सा वेट कीजिए, रुको मैं ढूंढने का ट्राई करता हूँ। यहाँ पर गाइस यार सबमरीन भी पड़ी हुई है, काम करता हूँ यही लेकर जाता हूँ। ओके सो यहाँ पर मैंने पानी में लैंड कर दिया। चलो फटाफट से सबमरीन के अंदर बैठते हैं और यार उस डायमंड को खोजते हैं। एक तो यार इतना बड़ा समुंदर है, लेकिन एक चीज ये लोग ने जरूर नहीं ट्राई की, मैंने एक काम करता हूँ, जहाँ जहाँ बोट गई होगी ना मैं उसी वाले रूट पर चलता हूँ, और मुझे तो पता है बोट कितना ही दूर जा सकती है। तो चलो फटाफट ढूंढते हैं। और यहाँ पर मैंने सबमरीन से अंदर खोजना चालू कर दिया है, और वो डायमंड मुझे लगता है ज़्यादा दूर गया नहीं होगा, क्योंकि ये जो बड़ी बड़ी बोट है ना उनको अंदर जाने ही नहीं दिया जाता है, क्योंकि यार रिस्की होता है ना समुंदर के अंदर जाना। तो मुझे लगता है कि हमें जो डायमंड है ना यही कहीं आसपास मिलेगा। और भाई साहब यार एक तो इतनी बड़ी बड़ी लहरें आ रही है कि पूछो मत, मेरी सबमरीन को पीछे फेंक रही है लोग तो। ओके सो गाइस यार यहाँ पर मैंने डायमंड को ढूंढना चालू कर दिया है, लेकिन गाइस यार मुझे तो यहाँ पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा, पूरा समुंदर एकदम खाली सा नजर आ रहा है, पता नहीं यार कहाँ ही चला गया है इसका डायमंड। लेकिन गाइस यार मुझे किसी भी हाल में खोजना तो होगा ही यार, पूरे 100 मिलियन डॉलर का सवाल है, किसी भी हाल में खोजना होगा। रुको आगे की तरफ जाकर देखता हूँ, शायद वहाँ मिल जाए। गाइस यार यहाँ पर भी मुझे नहीं दिख रहा कहीं पर, लगता है कि मुझे वहाँ जाना चाहिए। थोड़ा एक काम करता साइड में ले लेता, वहाँ पर ट्राई करते, क्या पता उनका डायमंड वहाँ पड़ा हुआ मिले मुझे। गाइस यार ये डायमंड तो दिख ही नहीं रहा यार, मैं पूरा उसके अंदर छानबीन कर रहा हूँ। एक काम करते यार, अब मेरे को लगता है कि पानी में उतर के ढूंढना पड़ेगा। 1 मिनट रुको मैं उतर जाता हूँ और अंदर ही जाके ढूंढता, यार कहीं ना कहीं तो जरूर मिलेगा, ये सबमरीन से मुझे लगता नहीं कि मिलने वाला। 1 मिनट रुको मैं पानी में कूद जाता हूँ। ओके तो यहाँ पर मैं पानी में कूद चुका हूँ, यहाँ पर गाइस यार मैं पानी के नीचे आ चुका हूँ, लेकिन यार मुझे तो यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा, पता नहीं कहाँ पर है यार इसके डायमंड, पता नहीं कहाँ चले गए हैं, कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे किसी भी हाल में ढूंढना ही होगा। गाइस यहाँ पर भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, पूरा यार अंधेरा ही अंधेरा है, पता नहीं इसने डायमंड कहाँ घुमा दिया है। गाइस यार यहाँ पर भी नहीं दिखाई दे रहा है, अरे 1 मिनट गाइस यार शायद से यहाँ पर मुझे कोई चमकती हुई चीज दिखाई दे रही है। 1 मिनट रुको 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 उसके पास जाता हूँ, 1 सेकंड यहाँ पर मुझे कुछ दिख रहा है, कुछ तो है यहाँ पर, कुछ तो है यहाँ पर।
कुछ तो है। एक मिनट ओ माय गॉड गाइस यार यहाँ पर ये देखो मैंने डायमंड ढूंढ लिया उसको। रुको फटाफट इसे ले लेते। ओ भाई साहब यार मजा ही आ गया, मैंने तो कमाल कर दिया। यहाँ पर मैंने उस मैडम जी के यार $1 बिलियन के डायमंड ढूंढ लिए। चलो फटाफट अब इसे ले लेता हूँ। यो गाइस यार मैंने कर दिखाया और यहाँ पर मैं लेके आ चुका हूँ मैडम जी के हीरे। अरे मैडम जी अब मत रोइए, मैं आपके डायमंड ढूंढ के लाया हूँ, अब आपको रोने की कोई जरूरत नहीं है। ये लीजिए आपके डायमंड और मुझे दे दीजिए $100 मिलियन। अरे भाई साहब यार मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं, मुझे तो वही समझ में नहीं आ रहा है। बाकी थैंक यू सो मच, ये लीजिए आपके $100 मिलियन, मैं आपको ऑनलाइन ही ट्रांसफर कर देती हूं। और अब अरे मैडम जी थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए। और गाइस यार फाइनली मुझे यहां पर $100 मिलियन मिल चुका है। चलो फटाफट से जाके अब यार उस हल्क से हम लोग $100 मिलियन वाला गॉड सुप्रीम लेवल वाला सूट खरीदते हैं। चलो फटाफट से। ओके सो गाइस यार फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ यहाँ पर $100 मिलियन वाला सूट खरीदने के लिए। और भाई साहब यार आज तो मजा ही आ गया, मैंने यार पूरा $100 मिलियन कमा लिए। ये ले हल्क यार तेरे पूरा $100 मिलियन और फटाफट से मुझे ये सूट दे दे। हाँ हल्क जा, हाँ हल्क जा तू ये सूट ले सकता है। ओके सो गाइस यार यहाँ पर हमने $100 मिलियन दे दिया। अब चलो फटाफट से ये सूट पहन कर देखते हैं कि आखिर इस सूट के अंदर कैसी पावर है। और भाई साहब यार आप लोग एक बार देख सकते हो ये सूट कितना ज्यादा बड़ा है कि मुझे तो इसका थोपड़ा भी दिखाई नहीं दे रहा है। यू चलो गाइस यार बिना टाइम वेस्ट किए इसे फटाफट से पहनते हैं। ये 3 2 1 गो। यू गाइस यार यहाँ पर ये मैंने सूट पहन लिया। ओ भाई साहब यार ये सूट तो कितना ज्यादा तगड़ा है और इसके अंदर की पावर्स आप लोग देख सकते हो। भाई साहब यार एक जंप में सीधा यहाँ से, वाह ओ माय गॉड। भाई साहब यार ऐसा सूट मैंने आज तक नहीं देखा और आप लोग देख सकते हो एक ही पंच में गाड़ियों का ढेर बना दे रहा हूँ। और गाइस यार ये गाड़ियां तो मेरे सामने यार चींटी की तरह लग रही है, मेरे यार पैरों के नीचे आ जा रही है। ओ भाई साहब यार मजा ही आ गया, आज तो एकदम सुप्रीम गॉड लेवल वाला सूट मिल गया। भाई साहब यार क्या ही तगड़ा मजा आ रहा है, इसको तो यूज करने में मजा ही आ गया। गाइस यार वैसे आप लोग कमेंट में बताओ कि मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में कौन से सुपर हीरो का सूट पहनूं, आयरन मैन का, स्पाइडरमैन का, किसका, फटाफट से जाके कमेंट कर दो। और अगर आपको आज की वीडियो में मजा आया तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में जरूर बताना यार कि नेक्स्ट वाली वीडियो में हम लोग कौन से सुपर हीरो का सूट पहने। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।